मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा है डे टू दुबई में। कल जैसे कि आपको पता है हमने मिरेकल गार्डन किया, IMG किया और हम ग्लोबल विलेज किए थे। आज हम जा रहे हैं स्की दुबई के लिए एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर इट। तो मुझे लगता है आज हम वही कर पाएंगे और एमिरेट्स मॉल थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो मैं आप अगर अलाउड हुआ गिम्बल अंदर ले जाना तो मैं आपको जरूर शूट करके दिखाऊंगी कि स्की दुबई कैसा लगता है। मॉल ऑफ एमिरेट्स जा रहे हैं क्योंकि स्की दुबई मॉल ऑफ एमिरेट्स में लोकेटेड है। तो हम आ गए हैं अभी मॉल ऑफ एमिरेट्स में। हमने टिकट एडवांस में ले दी थी तो बस हम चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। सो दे टाइप दिस बैंड ऑन आवर लिस्ट एंड नाउ वी आर टेकिंग एन एंट्री। अभी तक तो मुझे गिम्बल ले जाने के लिए वो मना नहीं किया। लेट्स सी एंट्रेंस गेट। अगर मना कर देगा ना सारा मूड खराब हो जाएगा। ऑनेस्टली आई वांट टू शो ऑल ऑफ यू ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। दे प्रोवाइड जैकेट, शूज, पैंट एंड ग्लव्स। एक बार ग्लव्स पहन लो तो फिर आपसे ऑपरेट नहीं होता मोबाइल। तो मुझे मैंने बोला चलो पहले थोड़ा सा शूट कर लेते, तो मैंने पहले ग्लव्स उतारा फिर मैं मोबाइल ऑपरेट कर पा रही हूँ। सारे टिकट कॉस्ट में लॉकर इंक्लूडेड होता है तो आप अपना सारा सामान वहाँ रख सकते हो। अंदर बहुत ठंडी होने वाली है। जो टेम्परेचर है -1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर। तो हम अपनी टोपी भी नहीं कैरी कर रहे हैं तो पता नहीं हमारी क्या हालत हो जाएगी आज। So we are here now, outside. ये काफ़ी बड़ा पार्क है, मतलब 22,500 square meter में बना हुआ है और यहाँ बहुत सारे राइड्स हैं अंदर। यहाँ 13 साल तक के बच्चों को हेलमेट पहनना कंपल्सरी है, बिना उसके अलाउड नहीं है उनको एंट्री मिलना और हेलमेट इन लोग प्रोवाइड करते हैं। वो ठंडी है अंदर, क्लाइंब करके थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लेते हैं। बूट्स पहनने के बाद भी पाँव में बड़ी ठंडी लग रही है और हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं। इसके टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं डेज़ के हिसाब से। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक और सैटरडे और संडे में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुला रहता है। स्टार्ट करते हैं बॉबस्लेड से जो कि हमारी फर्स्ट राइड है और इसके लिए जो मैट होता है वो नीचे से लेके आना होता है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ, बहुत ही मज़ेदार राइड है पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये पूरी आइस है यहाँ पे, बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे स्नोमैन वगैरह सब आप बना सकते हो, बच्चों के साथ अच्छे से खेल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है जोर बॉल, जिसको जाइंट बॉल भी कहते हैं। इसके लिए पूरा सीढ़िया चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे अच्छी खासी क्यू है तो आपको उस क्यू में लगना पड़ेगा आपका टर्न आने तक और ये राइड अनलिमिटेड है। बट ठंडी में सीढ़ियों चढ़ के जाना बार बार और क्यू में लगना इज़ ए बिग टास्क। देखो कितनी बड़ी क्यू है यहाँ पे। हमारा जो पास है ना स्नो प्लस है जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस है पर ये क्यू में लगने में ही अच्छी खासा टाइम चला जाता है। इसमें बहुत संभल के बैठना होता है। जब ये बॉल नीचे जाती है तो बहुत इधर उधर होती है तो हमारा सर भी बार बार बॉल से टकराता है क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ता है और फिर एकदम सुन हो जाता है। ये है बम कार, हम इसमें नहीं जा रहे तो ये इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में। ये है ट्यूबिंग रन, इसके लिए भी बहुत लंबी लाइन है। एक्चुअली सब जगह लाइन इतनी ज़्यादा है कि इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लस ठंडी इतनी ज़्यादा है कि हाथ फ्रीज हो रहा है, मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको स्कीइंग आती है तो आप यहाँ कर सकते हो या फिर 60 मिनट्स का लेसन होता है वो भी ले सकते हो। हमें ना तो स्केटिंग आती है ना स्कीइंग आती है तो हमने इसका चांस ही नहीं लिया। ये चेयर लिफ्ट है, यहाँ से आप घूम के भी आ सकते हो या फिर ऊपर एक स्टॉप है जहाँ कैफ़े भी है आप वहाँ रुक सकते हो। वहीं से आप जिप लाइनिंग के लिए जा सकते हो और जो माउंटेन पिलर है उसके लिए भी यही रास्ता है। फर्स्ट राउंड में तो हम बस घूम के आ गए और व्यू का मज़ा लेके आ गए, ये भी अनलिमिटेड टाइम आप कर सकते हो। फॉर ए चेंज माउंटेन थ्रिलर में कोई क्यू नहीं है और हमें मज़ा भी बहुत आया तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये जो स्टेज है यहाँ पे पेंगुइन शो होता है, पेंगुइन्स आती है चल के दिखाती है, अगर आप लक्की हो तो उसको टच भी कर सकते हो। उनके बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं, उनकी मेटिंग लाइफ कैसी होती है उसके बारे में बताते हैं
और ये करीब 10 से 15 मिनट चलता है शो, और टिकट्स में इंक्लूडेड होता है। कभी कभी लोगों को एंगेज करने के लिए इन लोग कुछ क्विज कॉम्पिटिशन भी रखते हैं, जैसे क्रिसमस में इन लोगों ने रखा था और हमको एक मूवी कूपन भी मिल गया था उसमें। हमने स्नो प्लस वाला पास लिया था और रायना टूर्स एंड ट्रेवल्स से लिया, और 250 धीरम पर पर्सन पड़ा मुझे। और इसके अंदर ना अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ राइड्स रहता है, बट आपको एक दो चीज़ों में चूज़ करना पड़ता है, जैसे जिप लाइनर आप दो ही बार कर सकते हो, और स्कीइंग लेसन और जिप लाइनर में चूज़ करना था, तो हमने जिप लाइनर चूज़ किया था। जिप लाइनिंग को स्नो बुलेट भी कहते हैं, और वहाँ पे हर जगह बोर्ड पे स्नो बुलेट ही लिखा हुआ रहेगा, तो उसके लिए भी चेयर लिफ्ट लेके आपको इस कैफ़े की तरफ जाना पड़ेगा, और वहाँ से क्यू लगा के आप यहाँ आओगे। तो मैं इसको शूट नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी और क्यू में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब एक घंटा लग गया था हमें। अगर भूख लगी और बहुत ठंडी भी लग रही है तो हम कैफ़े में आप हॉट चॉकलेट या कॉफ़ी ले सकते हो, स्नैक्स मिल जाएगा, बट हाँ ये सब इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बस और ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो अब हम जा रहे हैं बाहर, तो हम मॉल में आ गए, अब हम मॉल थोड़ा एंजॉय करेंगे। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा लगा जाके। बस अनलिमिटेड एक्सेस होने के बाद भी हम एक एक बार ही कर पाए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लंच टाइम भी हो गया, भूख भी लगी हुई है, और सामने एशिया किचन भी दिख रहा है। आई होप यहाँ खाना अच्छा मिलेगा। मेन्यू में तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेजिटेरियन है तो वो सोचना पड़ता है, पर कुछ कुछ ऑप्शंस हैं हमारे लिए, तो ट्राई करते हैं कैसा है, लेट्स सी। तो हमने मंगाया है डम्पलिंग, सुशी, फ्राइड राइस और ग्रेवी। देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है, इनफैक्ट खाने में भी बहुत अच्छा है, तो अगर आप वेजिटेरियन हो आप यहाँ ज़रूर ट्राई करिएगा। अब थोड़ा मॉल घूमते हैं, यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, वहाँ मैं रिकमेंड करूँगी जब सेल लगती है तभी लेना चाहिए, बहुत कॉस्टली होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो जो भी दुबई आ रहा है उसके लिए यूज़फुल हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। यहाँ के मॉल्स इतने बड़े होते हैं कि हम घूम घूम के थक जाते हैं, पर मॉल ख़त्म ही नहीं होता है। तो अब हम भी थक गए हैं और हम भी निकल रहे हैं अपने घर के तरफ, तो फिर मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।